अरविंद केजरीवाल तक को ये जो हाय हाय लगाए जा रहे हैं, पुलिस वाले बेहद ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी। भाजपा सरकार गुंडों की सरकार है, ये तानाशाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तानाशाह है। मोदी सरकार चोर है, मोदी सरकार सारे उस पे लोकतंत्र पे खतरा है। चोर हमेशा डरता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है। बेशरम मोदी है, बेशरम मोदी जो चोरी करके भाग सकता अपने घर से। 56 इंच का सीना है तो लड़े ना, तो यहाँ आए ना जनता के सामने। सीना सुना कुछ नहीं है, ये फुला रखा है बस, और कुछ नहीं है। इनके जो दोस्त है ना चोर है, ये मुखोटा पहन रखा है, ये दुराचारी है, औरंगजेब का ये दूसरा रूप है, मुखोटा हिंदू का पहन रखा है, ये है औरंगजेब। आप जिस धर्म को आप आगे लेके चल रहे हो उसी धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हो आप। तो नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त जिस तरीके से आप यहाँ पे हुजूम देख पा रहे होंगे, पूरा जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा पड़ा है। जो आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, और खुद जो अरविंद केजरीवाल है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और उसके बाद वो खुद भाजपा कार्यालय जा रहे हैं, ताकि ये जो भाजपा कार्यालय जा रहे हैं किस तरीके से लोग उनका साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री को चोर बताया जा रहा है, कि जो भाजपा चोर है, चौकीदार चोर है, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे मैडम, सबको पता है कि क्या हुआ है मेयर के इलेक्शन में, उसके बाद भी अगर बीजेपी ऐसे कर रही है तो वही होता है ना, जो चोर होता है वही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। वही भाजपा करने की कोशिश कर रही है कि हमने चोरी नहीं की, लेकिन जनता सब जानती है, पूरा भारत उस वीडियो को देख चुका है, और इनकी हमेशा से यही है, ये वैसे नहीं आते तो पीछे के दरवाजे से केजरीवाल खुद जा रहे हैं। लग रहा है आपको डिटेन नहीं कर लिया जाएगा? मैडम वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तानाशाह है, जैसे कि भगवंत मान साहब ने कहा है कि वो पुतिन बन जाएंगे, वैसा ही ये करने वाले हैं। आपके प्रदर्शन से पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि आप लोग जा ही ना पाए। मैडम ये एकमात्र अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल की सेना से डरते हैं, इसीलिए इन्होंने पहले ही बैरिकेडिंग कर दी। हमारे नेताओं का सीना है, क्यों डरेंगे वो? अरे 56 इंच का है तो यहाँ आए ना जनता के सामने, 56 इंच का सीना है तो लड़े ना, पीछे के रास्ते से क्यों आ जाते हैं? लड़ तो रहे हैं, आप लोगों को जाने ही नहीं दे रहे हैं, लड़ रहे हैं ना ये तो। कहाँ लड़ रहे हैं? ये चोर हैं, ये लड़ नहीं रहे हैं, ये तानाशाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडे लोग हैं। गुंडे लोग कह रहे हैं भाजपा सरकार? बिल्कुल, भाजपा सरकार गुंडों की सरकार है, इनके लोग सारे गुंडे हैं। भाजपा सरकार में जो लोग हैं सबसे सही सरकार है, बिल्कुल घोटालेबाजी नहीं करते हैं। मैं जिस लोकसभा से आता हूं, उत्तर पूर्वी लोकसभा, जाके सांसद श्री मनोज तिवारी जी हैं, एक बार आप हमारे क्षेत्र में आए और देखें कि उन्होंने क्या काम किया है। कुछ भी काम नहीं किया है उन्होंने। आपको लग रहा है बैरिकेडिंग तोड़ के आप जा पाएंगे उधर? क्योंकि वहां सिर्फ भाजपा को जाने दे रहे हैं और कोई किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए मैडम, हम इनकी तरह गुंडे लोग तो है नहीं, तो हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, जहां तक पुलिस जान देगी वहां तक जाएंगे। केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं? अरे मैडम, अभी तो गांव में जो चोर होता है वही तो शोर मचाएगा, तो ये वही है, दूसरे पे आनाकानी करते हैं, चोर बोलता है कि ये चोर होगा, लेकिन असल में वो खुद चोर होता है। झारखंड के सीएम के बाद अब लग रहा है केजरीवाल की बारी है। अब मैडम झारखंड के सीएम के साथ भी इन्होंने ऐसे किया, बिहार की सरकार में इन्होंने ऐसे किया, तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली तो एक छोटा सा राज्य है। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए दिल्ली कैसे चलेगी फिर? दिल्ली अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो सरकार जेल से चलेगी। अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाएंगे आप लोग? जेल से सरकार चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। हमने जनता से राय ली है, जनता यही कह रही है कि सीएम साहब बहुत अच्छे हैं और वो जेल से सरकार चलाएं। जनता तो ये भी कहती है मोदी सरकार बहुत अच्छी है, उन्हीं को वोट देंगे। सरकार कहाँ की अच्छी है? मोदी सरकार चोर है, मोदी सरकार सारे उस पे लोकतंत्र पे खतरा। चोर हमेशा डरता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है। हाँ, जैसे जिसके मन में चोर होता है ना, वो हमेशा डरता रहेगा कि ये 56 इंच का सीना ऐसे ही कहते हैं वो। 56 इंच का सीना ऐसे ही कहते हैं वो, आप लोग कह रहे हैं डर रहे हैं। अगर 56 इंच का सीना होता ना, आपको भी एक इंटरव्यू दे देता वो। सीना सुना कुछ नहीं है, ये फुला रखा है बस, और कुछ नहीं है। इनके जो दोस्त है ना चोर है, जिनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया, उप मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं, वो इनको पैसा दे रहे हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, चुनाव से पहले यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुँच गए हैं। चुनाव से पहले इलेक्शन हो तो गया, 30 तारीख को क्या हुआ था? हम वहाँ 20 बड़े होते हैं या
देखो अनपढ़ का यहाँ भी पता चल रहा है, वहाँ 14 को जिता दिया और 20 कम रह गए। कमाल है, मतलब उनके जो है वो 14 बहुत बड़े हैं, 16 और 20 छोटे हो गए। वहाँ मेयर 16 का बन गया और 20 का मेयर भी बनेगा। तो मोदी सरकार यूं ही कहती है अब की बार भी हम ही आएंगे, दावे वादे जो करती है पोस्टर में जो लिखवाती है। इसने मुखौटा पहन रखा है और बता दिया, सबूत बता दिया कि ऐसे हम बनेंगे जैसे अभी मेयर बने ना इनका, ऐसे चोरी करके ही ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। इनको अपनी प्रदर्शन करने से सब ठीक हो जाएगा, रोक लेंगे जो भी आप लोग पे आरोप लगे, हट जाएंगे ये सब। आप कहना क्या चाह रहे हो कि हम प्रदर्शन भी ना करें? प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। डिटेन करने के लिए पहले ही लोग आ चुके हैं, आप लोगों को डिटेन करके ले जाएंगे। ले गए थे, मैं सवेरे छूट के आया हूँ, हमारी बसें बंद कर दी, हमारे कार्यकर्ता बंद कर दिए, हमें डिटेन किया गया था, वहाँ से छोड़ने के बाद अब हम आए हैं। उनके हाथ पैर जोड़ा, भाई जाने दो, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, राजतंत्र नहीं है। मोदी का कहना हर जगह मत मानो, वो भी इंसान है, पुलिस वाले, उनको भी समझ में आती है। लेकिन कहा जा रहा है कि संविधान मोदी सरकार के हाथों में सबसे सुरक्षित है। सबसे बेकार संविधान कर दिया इन्होंने, संविधान खतरे में है, नहीं तो सड़कों पर आने की क्या जरूरत थी। आज हर एक किसान ले लो, आप स्टूडेंट ले लो, आप महिला ले लो, आप पहलवान ले लो, आप बताओ ना कौन सुरक्षित है? जब हर कोई परेशान है, जनता परेशान है, तो सरकार के माथे पे एक भी संकोच नहीं देखने को मिल रहा है। कैसे देखेगा? बेशरम है, बेशरम मोदी है, बेशरम मोदी जो चोरी करके भाग सकता अपने घर से है। इनका जो गृह मंत्री है वो तड़ी पार है, तो आप क्या सोच रहे हो इनके माथे पे संकोच आएगा? अरे चोर को आप थानेदार की कुर्सी पे बिठा दोगे तो वो चौड़ा होगा ना, संकोच नहीं आएगा उसको। जब उसको बिठाओगे ना वहाँ जहाँ चोर की जगह जेल की, तब उसके हाथ में संकोच आएगा उसके माथे पे। सीधे तौर पे चोर बता रहे हैं आप? बिल्कुल बता रहे हैं सर, बिल्कुल बता रहे हैं, ये तो कानून में है ना जी, उनके खिलाफ FIR हुई है, तड़ी पार हुए वो। आपने ये नहीं देखा है कि देश विश्वगुरु बन गया है, बाहरी देशों में डंके बज रहे हैं भारत के, आप ये नहीं देख रहे? सीधा बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार चोर है, मोदी चोर है। बहुत डंका बज रहा है जी, 205,00,000 करोड़ रुपए कर्जा कर दिया, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ आ गए, एजुकेशन में कहाँ चले गए, ये बहुत बढ़िया, बहुत विश्वगुरु बना दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भी हिंदुस्तान में मानवाधिकार का हनन होता है, ये विश्वगुरु वाली की बातें हैं। हमारे को जहाँ ये गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ हमारे स्टूडेंटों को बैन कर दिया। ऐसा लग रहा है राम मंदिर के बाद जनता खुश है, पूरी जनता उनके समर्थन में चली गई है। ये बहुत बढ़िया पूछा आपने, अभी चारों शंकराचार्य हैं उनमें से एक ने बयान दिया कि कितने मंदिर तोड़े हैं इसने, 1200 मंदिर तोड़े हैं, हजारों साल मूर्तियां तोड़ के मलबे में फेंक दी। ये मुखौटा पहन रखा है, ये दुराचारी है, औरंगजेब का ये दूसरा रूप है, मुखौटा हिंदू का पहन रखा है, ये है औरंगजेब, आपको पता लग जाएगा आने वाले टाइम में। अभी शंकराचार्यों का देखो ना, अगर ये इतना ही धार्मिक होता तो शंकराचार्यों को ना बुलाता, वहाँ पे शंकराचार्यों के अनुसार चलता ना, धर्म कर्म होता तो शंकराचार्य प्रधानमंत्री है, उद्घाटन भी ना करें क्या? कौन कह रहा है उद्घाटन ना करो, लेकिन धर्म के हिसाब से तो करो। आप जिस धर्म को आप आगे लेके चल रहे हो उसी धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हो आप तो। यहाँ पर G20 के टाइम में इन्होंने क्या करा, शिवलिंग लगाया और उसके ऊपर शिवर का पानी छोड़ा गया। आप बताओ ना किसने आवाज़ उठाई, कोई बोला इनके खिलाफ? अगर यही काम कोई और पार्टी कर रही होती, किसी और ने किया होता, तो यही BJP और RSS ऐसे कर देते, ये जाम कर देते पूरी दिल्ली को, कत्लेआम मचा देते, लेकिन इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। अभी क्या लग रहा है, आप लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? देखिए हमें संविधान के अनुसार चलना है, हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है जहाँ तक हमें जाने देगी पुलिस हम जाएंगे, हम पुलिस का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। किस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा हल्ला मचा हुआ दिख सकता होगा। किस तरीके से अब लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते, मतलब पुलिस जो है विरोध जता रही है, ये देखिए किस तरीके से पुलिस कार्यकर्ता और लोगों के बीच झड़प हो चुकी है, किस तरीके से उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से हाथापाई मचा रहे हैं, बर्बरता कर रही है पुलिस, जाने भी नहीं दे रही है आगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से झड़प होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, और अरविंद केजरीवाल तक को ये जो हाय हाय लगाए जा रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से तानाशाह चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या होती हुई नजर आ रही है, और संविधान विरोधी सरकार जो है आगे जाने तक नहीं दे रही है। किस तरीके की धक्का मुक्की चल रही है, मोदी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस वाले बेहद ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में, आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, और जो है वो जाके दिखाई कह रही है भाजपा कार्यालय में जाएंगे, साफ तौर पर जनता की तरफ से देखा जा सकता है। हिलेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी। आप लोगों को जाने तक नहीं दिया जा रहा है, आप लोगों को जाने तक नहीं दिया। डरे पड़े वो लोग, वो डरे पड़े, देख लिए ना, आम आदमी के एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, कुछ नहीं करते, डराना कितना डरा, कोई नहीं डरेगा। अब भावुक क्यों हो रहे हैं?
भावक क्यों हो रहे हैं? हम तो खुश हैं, हमें जो पागल हुए पड़े हमारे चक्कर में, हम खुश हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। कोई नहीं है, ये लोग खुद है, ये लोग खुद है। के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चोरी कराई। मैं देश के प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आइए, मन की बात कीजिए और इस चोरी पे दबाव बोल दीजिए। इस चोरी में वीडियो वायरल हुई है, इससे पता लग रहा है कि बीजेपी के नेता चोर है। अगर बीजेपी के नेता चोर रही है तो प्रधानमंत्री जी आइए, 8 बजे मन की बात कीजिए। जनता आपके मन आप लोगों को जाने भी नहीं, किस तरीके से हाथापाई होती हुई नजर आ रही है कि आप लोगों को जाने तक नहीं दिया जा रहा है। लाठी चार्ज यहाँ पे करा जा रहा है, हमें पुलिस बल के द्वारा धक्का दिया जा रहा है। अगर यही काम ये जो लोग क्रिमिनल घूम रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, जो लोगों को लूटपाट कर रहे हैं, उनसे करा होता तो आज देश में कहीं ना कहीं जो भी क्राइम था वो खत्म होता। किस तरीके से देख सकते हैं कि हाथापाई हो चुकी है, लाठी मार्च तक हुआ जा रहा है, इन लोगों को जाने तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश में अब ये लोग प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, प्रदर्शन में विरोध लगा दिया गया, जाने तक नहीं दिया जा रहा है। वही हम लोगों से बात करें तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार वाले जा सकते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग नहीं जा सकते। साफ साफ देखा जा रहा है किस तरीके से तानाशाही चल रही है, हिटलर को कंपेयर करा जा रहा है इसी चीज में, पूरी बर्बरता के साथ कैसे पुलिस इनको रोक रही है। शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कह दिया कि बैरिगेड नहीं तोड़ेंगे, शांतिपूर्वक जहाँ तक हमको जाने दिया जाएगा वहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जो हाथापाई कर रही है, लाठी चार्ज तक कर दिया है इन लोगों पे। अब देखने ये क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद जो अरविंद केजरीवाल की बारी बताई जा रही है, जिस तरीके से झारखंड के सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन अगर गिरफ्तार हो जाते तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली जो है वो जेल से चलाई जाएगी। बाकी इस पूरी बातचीत पर जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।